मेडिटेशन मेडिटेशन ये सुनते ही शांति और आध्यात्मिक जागृति की तस्वीरें मन में आती हैं। प्राचीन समय से लेकर आज के माइंडफुलनेस तक इसे भाग दौड़ भरी जिंदगी का रामबाण इलाज माना जाता है। आइए मेडिटेशन की मनमोहक दुनिया से पर्दा उठाते हैं। मेडिटेशन को अक्सर विश्राम और तनाव कम करने से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव इन बाहरी प्रभावों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। नियमित मेडिटेशन से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, याददाश्त और रचनात्मकता बढ़ती है। अध्ययन बताते हैं कि इससे दिमाग की संरचना में बदलाव आते हैं और तंत्रिका कनेक्शन मजबूत होते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि तेज और चुस्त भी हो। मेडिटेशन को निम्न रक्तचाप, बेहतर नींद और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली से भी जोड़ा गया है। यह हमें दर्द को मैनेज करने, सूजन को कम करने और यहाँ तक कि बुढ़ापे को धीमा करने की शक्ति देता है। यह आंतरिक यात्रा हमें अपनी छिपी हुई क्षमता से रूबरू कराती है और हमें स्वस्थ जीवन जीने का साहस देती है। वैसे तो मेडिटेशन के फायदे अनेक हैं, लेकिन आंतरिक खोज का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। अपने अंदर झांकने से दबी हुई भावनाएं और गहरे बैठे हुए पैटर्न्स सामने आ सकते हैं। यह प्रक्रिया परिवर्तनकारी तो होती है, लेकिन चुनौतीपूर्ण और बेचैन करने वाली भी हो सकती है। कुछ लोगों को चिंता, बेचैनी या ज्यादा इमोशनल होना पड़ सकता है। मेडिटेशन का मौन हमारे अंदर के शोर को और बढ़ा सकता है और हमें अपने उन पहलुओं का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है जिन्हें हम छुपाते हैं। आध्यात्मिक जागृति की चाहत हमें भौतिक दुनिया से दूर ले जा सकती है। आंतरिक खोज और बाहरी दुनिया के साथ जुड़ाव के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के लिए समर्पण, अनुशासन और अपनी कमजोरियों का सामना करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मेडिटेशन के प्रभाव केवल मन की बातें नहीं है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि मेडिटेशन से हमारे दिमाग की संरचना और कार्य प्रणाली बदल जाती है। ये बदलाव स्थायी न्यूरोप्लास्टिसिटी को दर्शाते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, लचीलापन और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है। मेडिटेशन जीन एक्सप्रेशन को बदल सकता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अध्ययन बताते हैं कि नियमित अभ्यास से सूजन कम होती है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। विज्ञान हमारे मन और शरीर के बीच के संबंध को उजागर करता है। वैज्ञानिक आधार को समझने से हम स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ मेडिटेशन को अपना सकते हैं। मेडिटेशन को व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में अपनाएं, जो वैज्ञानिक शोध द्वारा समर्थित है। मेडिटेशन की दुनिया बहुत विशाल और विविध है, जिसमें कई तकनीकें और परंपराएं शामिल हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वह दूसरे के लिए कारगर नहीं भी हो सकता है। मेडिटेशन को खुले मन और प्रयोग करने की इच्छा के साथ अपनाएं। विभिन्न परंपराओं, तकनीकों या शिक्षकों का पता लगाएं, जब तक आपको वह न मिल जाए जो आपके लिए सही हो। मेडिटेशन का कोई एक तरीका सभी के लिए सही नहीं होता है। एक ऐसा अभ्यास खोजें जो आपको वास्तविक लगे और जिसे आप लंबे समय तक कर सकें। मेडिटेशन को नम्रता और आत्मकरुणा के साथ अपनाएं। विश्वास रखें कि निरंतर अभ्यास और खुले दिल से आप इस परिवर्तनकारी रास्ते पर अपनी राह खोज लेंगे। मेडिटेशन शक्तिशाली तो है, लेकिन इसकी अपनी कुछ जटिलताएं और संभावित नुकसान भी हैं। जरूरी है कि इसे संतुलित दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाए। आंतरिक खोज और बाहरी दुनिया के साथ जुड़ाव दोनों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। यह समझें कि आंतरिक यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन लें। मेडिटेशन को आत्मकरुणा के साथ अपनाएं, यह समझते हुए कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण सीख है उपस्थिति और स्वीकृति की गहरी भावना विकसित करना। बिना किसी राय बनाए विचारों और भावनाओं को देखना सीखें। मेडिटेशन को समझदारी और खुले दिल से अपनाकर हम एक अधिक संपूर्ण जीवन के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।